नमस्कार दोस्तों दोस्तों एनिमल ने अपने थर्ड सैटरडे को जो कलेक्शन किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है, लेकिन जिस हिसाब से मुझको उम्मीद थी उस हिसाब से इसने कलेक्शन नहीं किया। मैंने सोचा था कि ये बहुत ही तगड़ा कलेक्शन करेगी, लेकिन दोस्तों फिर भी दोस्तों थर्ड सैटरडे होने के बावजूद भी इसने दहाई का आंकड़े को छुआ है, और वहीं संडे को भी इसका जो कलेक्शन निकल करके सामने आ रहा है आज का वो भी काफ़ी शानदार है। और इसको देखते हुए ये लग रहा है कि ये मूवी आज नेट कलेक्शन के मामले में 500 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है। और दोस्तों अब ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मूवी धीरे धीरे ही सही 900 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी, और 1000 करोड़ का आंकड़ा छूने के लिए तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि सलार और डंकी के बीच ये कैसा कलेक्शन कर रही है, क्या ये 1000 करोड़ का आंकड़ा छू पाएगी कि नहीं। इसी के साथ चर्चा कर लेंगे हम सैम बहादुर के कलेक्शन के बारे में। दोस्तों जो इसका थर्ड सैटरडे को कलेक्शन निकल करके सामने आया है वो कलेक्शन चौंका दिया है, और वो कलेक्शन ये साबित करता है कि ये जो मूवी थी किसी से कम नहीं थी, और ये जो मूवी है सुपर हिट हो चुकी है। तो शुरुआत करते हैं हम रणवीर कपूर की मूवी एनिमल से, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आखिर चैनल सब्सक्राइब करने में आपका जाता ही क्या है। तो देखा जाए दोस्तों इस मूवी ने अपने थर्ड सैटरडे को 12 करोड़ 84 लाख का कलेक्शन किया है, और इसका जो टोटल नेट कलेक्शन हो गया वो हो गया है 498 करोड़ रुपए, और वर्ल्ड वाइड के मामले में इस मूवी ने 819 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है। वहीं हिंदी की बात करें तो इस मूवी ने 450 करोड़ का कलेक्शन छू लिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी तबाही है। वहीं अगर अब इसके थर्ड संडे यानी आज की बात करें तो आज भी ये मूवी 15 से 17 करोड़ का कलेक्शन करते हुए दिख रही है, और ये इतना कर लेती है तो नेट कलेक्शन के मामले में इसका जो कलेक्शन है वो 513 से 515 करोड़ हो जाएगा। और ये कलेक्शन ये साबित करता है कि एक ग्रेट मूवी होने के बावजूद इसने जो इतिहास रचा है इस इतिहास को आने वाले समय में तोड़ना इतना आसान नहीं होने वाला है। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में बात करें तो इस मूवी ने 835 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है। अब बात कर लेते हैं विक्की कौशल की मूवी सैम बहादुर के बारे में। देखा जाए दोस्तों इस मूवी ने अपने थर्ड सैटरडे यानी कि 16वें दिन देखा जाए 4 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया है। बॉस ये तबाही है, थर्ड सैटरडे को इतना कलेक्शन, और मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए, और सामने एनिमल 100 भी ना के बराबर, लेकिन तबाही के नज़ारे दिखा रही है। वहीं इसके अगर टोटल नेट कलेक्शन के बारे में बात करें तो हो चुका है 71 करोड़ 35 लाख, और वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में बात करें तो इस मूवी ने 99 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। वहीं अगर हम आज इसके 17वें दिन यानी थर्ड संडे की बात करें तो दोस्तों आज ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मूवी 5 करोड़ का आंकड़ा भी क्रॉस कर सकती है, और वो नज़ारे हमको दिखा सकती है। फिलहाल मैं 5 करोड़ लेके चल रहा हूँ, और ये इतना कर लेती है तो इसका नेट कलेक्शन हो जाएगा 76 करोड़ रुपए, और वर्ल्ड वाइड के मामले में तो दोस्तों आपको मालूम है कि इस मूवी ने 100 करोड़ का आंकड़ा आज क्रॉस कर देना है, और ये मूवी को सुपरहिट हो जाना है। और वैसे दोस्तों आपको क्या लगता था, क्या इस मूवी को सुपरहिट होना चाहिए था कि नहीं? वैसे जिन लोगों ने ये मूवी देखी है यकीन मानिए वो बंदे यही कहेंगे कि अगर ये मूवी सोलो रिलीज होती तो ये मूवी ब्लॉकबस्टर भी हिट हो सकती थी। वैसे आपकी क्या राय है, आपने अगर अब तक के ये मूवी देखी है तो कमेंट में हमें बताइए, और अगर नहीं देखी है तो आप इसको देख सकते हैं, आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा, और ये मूवी वाकई में डिजर्व करती थी सुपरहिट होना, जो कि देखा जाए हो भी गई है। और दोस्तों अभी भी इसके पास देखा जाए गुरुवार दिन तक का समय बाकी है, और ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी क्या ये मूवी नेट कलेक्शन के मामले में भी 100 करोड़ का आंकड़ा छू पाएगी कि नहीं, क्योंकि इसकी जो कलेक्शन की दोस्तों रफ्तार है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसका कलेक्शन 100 होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा खासा हो रहा है, इसकी जो एक्यूपेंसी है वो काफ़ी ठीक ठाक हो रही है। और दोस्तों मुझे लग रहा है कि सलार और डंकी जब रिलीज भी हो जाएगी इसके बावजूद भी ये ठीक ठाक कलेक्शन
करती रहेगी थोड़ा बहुत, और हो सकता है कि नेट कलेक्शन के मामले में 100 करोड़ का आंकड़ा छू जाए। वैसे अगर आपको मेरी बातें सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।